हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है वेटेड के लिए, है ना। तो जो वेटेड प्राइस इंडेक्स है उसके हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि वेटेड प्राइस इंडेक्स क्या होता है और उसके जो टाइप्स है वो क्या क्या होते हैं। तो हमने उसमें लैसपियर, पाशेस, फिशर एडल इंडेक्स और बाउलिस डॉर्बिश मेथड भी देखा था। तो इस वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन को क्या लिखा है स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैलकुलेट लैसपियर, पाशेस, फिशर आइडल इंडेक्स एंड बाउलिस डॉर्बिश प्राइस इंडेक्स मेथड, ठीक है। तो हमको कमोडिटी देके रखी है ए से लेकर सी तक, और साथ में आपको प्राइस देके रखा है, और साथ में क्वांटिटी देके रखी 2005 में, 2010 में आपको प्राइस और क्वांटिटी देके रखी है। अब यहाँ पे हमको बेस ईयर या करेंट ईयर नहीं देके रखा है, तो हम क्या करेंगे, बेस ईयर किसको मानेंगे, जो प्रीवियस ईयर रहेगा उसको मानेंगे बेस ईयर, राइट। तो यहाँ पे 2005 पुराना साल है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे बेस ईयर, और जो 2010 है उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे करंट ईयर, राइट। नाउ जो बेस ईयर का प्राइस रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे उसको मान लेंगे P0, है ना, और करंट ईयर का सॉरी बेस ईयर की जो क्वांटिटी है वो रहेगी Q0, क्योंकि मैंने आपको बताया था जीरो मतलब क्या होता है बेस ईयर, वन मतलब होता है करंट ईयर। तो करंट ईयर का जो प्राइस रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पे P1, और करंट ईयर की जो क्वांटिटी रहेगी उसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पे Q1 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेटा दिया है उसको मैंने सॉल्यूशन के लिए ऐसा कैसा यहाँ लिख दिया है, ठीक है। कमोडिटी लिख दी है P0, बेस ईयर की प्राइस, Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी, P1 करेंट ईयर का प्राइस, Q1 करेंट ईयर की क्वांटिटी। अब जो सबसे पहली मेथड है हमारी, सबसे पहली मेथड कौन सी है हमारी, लैसपियर पाशेस, राइट। सबसे पहली मेथड है यहाँ पे लैसपियर्स प्राइस इंडेक्स मेथड। तो जो लैसपियर प्राइस इंडेक्स मेथड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है P01, दैट इज प्राइस इंडेक्स करंट ईयर के लिए निकालेंगे हम, और फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, टोटल ऑफ P1 मल्टीप्लाइड बाय Q0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैसपियर प्राइस इंडेक्स में जो बेस ईयर की क्वांटिटी रहती है उसको हम वेट मानते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा वो P1 Q0 टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 Q0। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है P1 Q0, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करूंगा P1 टाइम्स Q0, ओके। तो P1 टाइम्स Q0 निकालना है मतलब ये P1 और Q0 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू मुझे 110 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा। जब 15 इंटू मैं 170 करूंगा तो 15 का इंटू जब आप 170 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2550, और जब आप 50 का इंटू 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये आ गया हमारा P1 Q0। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे P0 Q0, तो ठीक है यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा P0 Q0, राइट। तो मैंने P0 Q0 फाइंड किया। अब इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले कि P0 कहाँ पे लिखा है हमको, P0 और फिर Q0, ये दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग वैल्यू का। तो 100 इंटू 10 मैंने करा तो ये आ जाएगा 1000, 150 इंटू 15 करा तो ये आ जाएगा 2250, और जब हम करेंगे 5 इंटू 50 तो 5 टाइम 50 हो जाएगा 250, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है, तो हम इनका टोटल कर लेते हैं। तो जब मैंने इसका टोटल करा, टोटल ऑफ P1 Q0, तो ये जो टोटल आएगा ये हो जाएगा हमारा 200, 1300 और 2550, तो ये हो जाएगा 3850, राइट। इनका टोटल ये हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं टोटल करूंगा P0 Q0 का तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 1000, और ये हो रहा है हमारे पास 2500, इन दोनों को जोड़ने पे तो ये टोटल हो जाएगा 3500 का, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल। नाउ ये दोनों वैल्यू उठा के हम रखेंगे फॉर्मूले में, तो जब ये वैल्यू मैं फॉर्मूले में रखूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू टोटल ऑफ P1 Q0 कितना आ रहा है, ये 3850 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 Q0, ये आ रहा है 3500, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे हम इसको 100 कर देंगे। तो जब मैं 3850 को डिवाइड करूंगा 3500 से, तो जो P01 है प्राइस इंडेक्स है लेस पियर्स का, वो कितना आएगा, वो आएगा 1.1, और इसको मल्टीप्लाई जब मैं 100 से करूंगा तो ये हो जाएगा 110, ठीक है।
तो ये क्या आ गया मेरे पास, लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स आ गया, जो कि आया है 110। इसका मतलब क्या होता है कि बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, उससे 10% ज्यादा क्या है हमारा लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स आया है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी कंपेयर करते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो बेस ईयर का जो इंडेक्स है वो 100 मानते हैं, और उससे जितना भी ज्यादा वैल्यू आती है हम क्या बोलते हैं कि करंट ईयर का जो प्राइस है उतना परसेंट बड़ा है। तो हमारे एग्जांपल में 100 में 10 बड़ा है, इसका मतलब 10% जो प्राइस है वो लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स से बड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे हम इसमें पाशेज इंडेक्स। तो जो हमारा सेकंड फार्मूला है, सेकंड फार्मूला हमारा रहेगा यहाँ पे पाशेज इंडेक्स का। तो सेकंड फार्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पे पाशेज प्राइस इंडेक्स। तो जो पाशेज प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, P01। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे लास्ट ईयर में हम क्या करते हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मानते हैं, तो पाशेज में हम करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, P1Q1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0Q1, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहां पे कि यहां पे जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे P1 टाइम्स Q1। ठीक है, और उसके बाद निकालेंगे P0Q1। तो P1 टाइम्स Q1 निकालना है, कहने का मतलब है मुझे क्या फाइंड करना है, P1 और Q1 का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन एलिमेंट्स का। तो 110 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 660, और 170 इंटू जब मैं 18 करूंगा तो 170 इंटू 18 ये हो जाएगा 3060। नेक्स्ट जब मैं 4 इंटू 30 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 120, राइट, 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 120। वैसे ही नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड करेंगे, P0Q1 ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां हम निकालेंगे P0 टाइम्स Q1। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, P0 और ये रहेगा Q1 फर्स्ट और लास्ट। तो 100 इंटू मैंने करा 6 तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 600। फिर नेक्स्ट 150 इंटू करा मैंने 18, तो जब 150 का इंटू मैं 18 में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2700। और जब मैं 5 का इंटू करूंगा 30 में तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 150। इनका हम टोटल कर लेंगे, तो हम टोटल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा टोटल ऑफ P1Q1। तो जब मैंने इसका टोटल करा तो 660, 3060 और 120, जब मैं इसका टोटल करूंगा तो ये आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 3840। ठीक है, इसका टोटल आएगा 3840। अब वैसे ही मैं टोटल करूंगा किसका, P0Q1 का। तो जब मैंने P0Q1 का टोटल करा तो इसका टोटल आ जाएगा 3300 और ये हो जाएगा 150, 3450। क्लियर, अब ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे पाशेज फॉर्मूले में। तो जब मैंने यहाँ वैल्यू रखी यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, अब जब वैल्यू रखेंगे तो पहला आ रहा है टोटल ऑफ P1Q1 जो आ रहा है 3840 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0Q1 जो कितना आ रहा है यहाँ पे, 3450 टाइम्स 100, राइट, ये वैल्यू आ रही है। तो P01 यहाँ पे कितना जाएगा, जब मैं 3840 को डिवाइड करूंगा 3450 से तो इसको डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी मेरी 1.1130, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो जो हमारा पाशेज प्राइस इंडेक्स है वो कितना जाएगा, 1111.3, राइट, ये आ जाएगा हमारा पाशेज प्राइस इंडेक्स। क्लियर, तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई है। अब है ना हम क्या करेंगे, इन दोनों को नाम दे देते हैं, इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब थर्ड में फाइंड करूंगा यहाँ पे फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स। तो ध्यान से देखना, फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो थर्ड हम फाइंड करेंगे यहाँ पे फिशर्स आइडल प्राइस इंडेक्स। तो जो फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स रहेगा उसका फॉर्मूला क्या रहता है, उसको देखो लिखने का तरीका बताया था हमने आपको प्रीवियस वीडियो में, कि जो फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स रहता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है पाशेज और लास्ट ईयर्स का। दैट इज, कहने का मतलब है अगर मुझे फिशर प्राइस इंडेक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन दैट इज स्क्वायर रूट निकालेंगे किसका, लास्ट ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय पाशेज, L फॉर लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स, P फॉर पाशेज। ठीक है, यहां पे आपको इनटू 100 नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, जो लास्ट ईयर और पाशेज का प्राइस इंडेक्स है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहां पे और इनका रूट निकाल लेते हैं। तो देखिए लास्ट ईयर जो प्राइस इंडेक्स था वो कितना आया था, वो आया था 110
और मल्टीप्लाई में जो पार्शियल प्राइस इंडेक्स था वो कितना आया था 111.3। तो जब मैं इनका मल्टीप्लाई करके रूट निकालूंगा तो जो मेरा फिशर प्राइस इंडेक्स है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 110.64। ये आ गया मेरा फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो सर अपने डायरेक्ट कर लिया कि ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया पार्शियस का और लेस पियर्स का, अगर फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तो क्या ये आंसर आएगा। तो देखिए हम इसको फॉर्मूले के थ्रू भी करके देखते हैं। ठीक है, सेम थिंग हम करके देख रहे हैं यहां पे, फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स फॉर्मूले के थ्रू। तो देखिए जो फिशर प्राइस इंडेक्स रहेगा फॉर्मूले के थ्रू क्या हो जाएगा, वो P01 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो ध्यान रखना यहां पे L फॉर लेस पियर्स प्राइस इंडेक्स है तो लेस पियर्स का फॉर्मूला हम लिख देंगे। तो क्या है फॉर्मूला लेस पियर्स का, उसको मैं सेम कलर से लिख देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल ऑफ P1Q0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0Q0, राइट, मल्टीप्लाई में। फिर पार्शियस का फॉर्मूला मल्टीप्लाई में क्या है, यहां पे पार्शियस है रूट के अंदर तो पार्शियस का फॉर्मूला लिख देंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ P1Q1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0Q1। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब बाहर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रूट के बाहर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करो, वैल्यू पुट अप कर दो। तो देखो जब आप वैल्यू पुट अप करोगे ध्यान रखना है P1Q0 कितना रहा था हमारा 3850 और P0Q0 कितना रहा था 3500। तो वैल्यू मैं ऐसी कैसी रख रहा हूं यहां पे 3850 डिवाइडेड बाय 3500 मल्टीप्लाई में, टोटल ऑफ P1Q1 ये कितना रहा था 3840, आप टेबल से भी देख सकते हैं 3840 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0Q1 ये कितना रहा था 3450। ठीक है, ये टेबल से भी देख सकते हैं और फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, और रूट के बाहर मल्टीप्लाई करना आपको 100 से। तो जब आप इसका रूट फाइंड आउट करेंगे, जब आप इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब मैं इसका रूट निकालूंगा दोनों वैल्यूज का तो डिवाइड करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1, जो ऑलरेडी आ चुकी थी जब मैंने डिवाइड किया था 1.1, और पार्शियल में जब मैंने इन दोनों वैल्यू को डिवाइड किया था 3840 और 3450 को तो वो आया था 1.1130, राइट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो जब मैं इसका रूट निकाल के दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वापस से फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स का वो फिर से कितना जाएगा 110.64, मेरा फिर से वही आंसर आएगा जो प्रीवियस केस में आ रहा था। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से यूज करना है फॉर्मूले का, बट ध्यान रखना है यहाँ पे दो चीज, ध्यान क्या रखना है, जब आप ज्योमेट्रिक में निकालोगे लेस पियर और पार्शियस का फिशर आइडल इंडेक्स को फाइंड करने के लिए तो वहां पे रूट 100 नहीं करना है, और जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ध्यान रखना है आपको रूट के बाहर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, क्योंकि यहां पे अपन ने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करे, केवल वैल्यू पुट अप करी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हो गए। अब हमारा जो फोर्थ फॉर्मूला है वो है बॉलर-डॉर्बिश प्राइस इंडेक्स का, तो हम फोर्थ फॉर्मूला हम यहां फाइंड आउट करेंगे। तो मैं रफ कर देता हूं इसको पहले। अब देखिए जो फोर्थ फॉर्मूला है हमारा जो है बॉलर-डॉर्बिश का, तो यहां लिख देते हैं हम फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा बॉलर-डॉर्बिश मेथड, बॉलर-डॉर्बिश प्राइस इंडेक्स। तो देखिए जो बॉलर-डॉर्बिश प्राइस इंडेक्स होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो क्या होता है, लेस पियर और पार्शियस का जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, वो क्या निकालता है अपना बॉलर-डॉर्बिश प्राइस इंडेक्स। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं बॉलर-डॉर्बिश प्राइस इंडेक्स P01 निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, लेस पियर इंडेक्स प्लस पार्शियस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये P01 इक्वल्स टू लेस पियर प्राइस इंडेक्स कितना आया था 110 आया था प्लस पार्शियस प्राइस इंडेक्स कितना आया था 111.3 आया था, डिवाइड बाय 2 करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो जो मेरा वैल्यू आएगा बॉलर-डॉर्बिश से वो आएगा 110.32, राइट, 110. कितना जाएगा वो 32 आएगा। तो यहां पे ध्यान रखना, यहां डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना 100 से, ठीक है, यहां मल्टीप्लाई नहीं करना है।
तो ये कितना आ जाएगा डायरेक्टली हमारे पास, ये आ जाएगा 110.32। तो ये क्या आ गया बॉलिस डॉर्बिश मेथड से हमारा क्या आ गया प्राइस इंडेक्स आ गया, ठीक है। बट अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, क्या ये आंसर मिलेगा हमें? तो हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि फोर्थ वापस से मैं बॉलिस डॉर्बिश मेथड लगा रहा हूं यहाँ पे फॉर्मूले के हेल्प से, बॉलिस डॉर्बिश प्राइस इंडेक्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा P01 इक्वल्स टू, अब यहां पे देखिए लेस्पियर प्लस पाशेस डिवाइडेड बाय क्या था यहां पे 2 था। तो हम क्या करेंगे जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स है वो लिख लेते हैं, है ना। तो जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स रहेगा वो कितना आ जाएगा यहां पे, उसका फॉर्मूला क्या था हमारा टोटल ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 Q0 प्लस, फिर पाशेस का फॉर्मूला क्या था हमारा जो ग्रीन कलर से लिखा हमने, टोटल ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 Q0 और इस पूरे को मैं डिवाइड किससे करूंगा 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से। तो हम देखते हैं किस तरीके से वैल्यू आएगी। तो देखिए ये वैल्यू पुट अप कर देंगे हम P1 Q0 और P0 Q0 की जो कितनी थी 3850 डिवाइडेड बाय 3500 प्लस, वैसे ही टोटल ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय टोटल ऑफ P0, यहाँ पे ये Q1 है ना, पाशेस का फॉर्मूला यहाँ पे 1 आएगा। तो ये P0 Q1 इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही थी 3840 डिवाइडेड बाय 3450, तो यार ये 3840 डिवाइडेड बाय 3450 और इन पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो देखिए जब इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा पहले वाले केस में 3850 को डिवाइड करेंगे 3500 से तो ये वैल्यू आएगी 1.1 मल्टीप्लाई में, 3840 को डिवाइड करेंगे 3450 से तो वैल्यू आएगी 1.1130 और इस पूरे को मैं 2 से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे बॉलिस डॉर्बिश प्राइस इंडेक्स, इनको मल्टीप्लाई करना दोनों को डिवाइड बाई 2 करना है और इनटू 100 करेंगे तो हमें फिर से सेम वैल्यू मिलेगी 110.32, राइट 110.32। तो आप देखिए आप तो ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए या जो ट्रिक बताई वो यूज़ कीजिए, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। तो ये हमारा वीडियो था, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मार्शल एजवर्थ के जो न्यूमेरिकल रहेंगे प्राइस इंडेक्स के उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।